छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब महज 4 महीने बाकी हैं। किसी भी दल के लिए जीत हार के लिए चुनाव में युवा वोटर्स की भूमिका बेहद अहम होती है। ये बात कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग भलीभांति समझते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में युवा संवाद कार्यक्रम किया और इसके जरिए युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश करते हुए तत्काल उनके लिए कई घोषणाएं भी कर दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज्य में पहली बार हुए इस युवा संवाद कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और छात्रों का क्या रिएक्शन था। जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रदेश में पहली बार युवाओं के लिए हुए इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन कुछ चीजों को लेकर स्टूडेंट्स काफी नाराज नजर आए। दरअसल पहले सीएम रायपुर से हेलीकॉप्टर से आने वाले थे और कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे शुरू होने वाला था। ऐसे में सारंगढ़, बिलाईगढ़, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़ जैसे दूर दराज के स्टूडेंट सुबह 6-7 बजे से निकले थे। छात्र छात्राओं को सुबह 10 बजे से ही उमस भरी गर्मी में इंडोर स्टेडियम में बिठा दिया गया, जहाँ पीने के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया गया। वहीं खराब मौसम की वजह से सीएम भूपेश बघेल सड़क मार्ग से देर से कार्यक्रम में पहुंचे। ऐसे में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने इस आयोजन की जिम्मेदारी निजी इवेंट ऑर्गेनाइजर को सौंपी थी, लिहाजा इवेंट ऑर्गेनाइजर के वॉलंटियर्स ने पहले से तय कर लिया था कि सवाल किस तरह से होगा और कौन पूछेगा। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने मन से कह दिया कि कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पर सवाल ना पूछे, छात्र छात्राएं अपनी समस्याएं भी बताएं। इस अव्यवस्था के चलते गिने चुने स्टूडेंट्स ही अपनी बात रख सके, जो छात्र छात्राएं सवाल नहीं कर सके वो नाराज नजर आए, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने सीएम से कहा कि बिलासपुर एजुकेशन हब है, जहां बड़ी संख्या में प्रदेश भर से छात्र छात्राएं आकर सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें रूम किराए पर लेना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रतियोगी स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार को अलग से हॉस्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रा के सुझाव का सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया और हॉस्टल बनाने के लिए अफसरों को निर्देश भी दे दिए। इस दौरान सीएम ने अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा शुरू करने की घोषणा भी कर दी। इसके साथ ही सीएम ने छात्रों से चर्चा में बताया कि राज्य सरकार युवाओं के हित में कई योजनाएं चला रही है। व्यापम और पीएससी में फीस माफ कर दी गई है। 4 महीने में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और एसआई की भर्ती के रिजल्ट जल्द ही आ जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रोग्राम में शामिल कुछ छात्रों ने क्या कुछ कहा। कुछ छात्रों का कहना था कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ जो अच्छा था, बातचीत और सही तरीके से होता चाहिए था, इस तरह का कार्यक्रम और होना चाहिए। वहीं कुछ छात्रों का मानना है कि बातचीत का यह कार्यक्रम केवल चुनावी फंडा था। 1 घंटे में 8 जिलों के छात्र छात्राओं से मिलकर उनकी समस्या सुनना महज औपचारिकता था। 4.5 साल में युवाओं का ध्यान नहीं आया और अब चुनाव आया तो सम्मेलन कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो स्कूल के छात्रों को क्यों नहीं बुलाया गया। वहीं कुछ युवाओं ने बताया कि जब सीएम से उन्होंने बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सवाल पूछा तो उनके माइक बंद कर दिए गए। बहरहाल सीएम बघेल की युवाओं को साधने की कोशिश कितनी सफल होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।